मेरे प्रिय कैडेट्स आप सभी को मेरा नमस्कार जैसे कि हमने छठी कक्षा से संबंधित जो है वर्णमाला का अध्ययन कर रहे हैं ताकि हिंदी भाषा को सुलभ रूप से पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए बोलने के लिए आना चाहिए तो इसी बीच जो है हमने स्वरों का अध्ययन जो है किया है तो यहाँ पर देखिए स्वर कितने हैं ग्यारह कुल मिलाकर ग्यारह हैं अम और आह जो है यह अयोग वाहक कहलाते हैं तो इस तरह हमने स्वरों का अध्ययन किया है वर्णमाला के अंतर्गत आज हम व्यंजनों का अध्ययन करने जा रहे हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्वर यानी जो उच्चारण करते समय स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और व्यंजन यानी स्वरों की सहायता से जो है यह उच्चारण किया जाता है तो इसीलिए ये व्यंजन कहलाते हैं तो चलिए व्यंजनों का अध्ययन करेंगे तो हमने देखा था कि स्वर कितने हैं ग्यारह उसी प्रकार व्यंजनों की संख्या जो है कुल मिलाकर तैंतीस मानी जाती है इसमें जो है मिश्रित व्यंजन जो है वो अलग से रखा जाता है तो देखेंगे क जो है क वर्ग भी इसे कहा जाता है क ख ग घ जो है इसे हम अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है च वर्ग को देखेंगे अभी च छ ज झ उसी प्रकार ञ जो है यह चंद्र अनुनासिक शब्दों के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है इसी प्रकार ट वर्ग देखेंगे हम ट ठ ड ढ इस प्रकार उसके बाद जो है त वर्ग त थ द ध न। उसके बाद जो है प वर्ग प फ ब भ, भ, भ म उसके बाद अवर्गीय व्यंजन आते हैं य र ल व श स, श स स ह और मिश्रित व्यंजन है क्ष त्र ज्ञ और एक आता है ठीक है इस तरह जो है व्यंजनों की संख्या कितनी है तैतीस है कुल मिलाकर जो है वर्णमाला की संख्या है मानक हिंदी वर्णमाला की चवालीस ठीक है बाकी के अम आहा और जो हैं ये अयोगवाहक कहलाते हैं ठीक है तो आगे बढ़ेंगे क देखिए क वर्ग से हम क्या करेंगे इनके शब्दों को भी अब हम देखेंगे क से केला ख से खरगोश ग से गाजर उसी प्रकार ग से घड़ी उसी प्रकार ञ ञ जो है इसे अनुसार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है तो देखिए यहां पर चांद चांद के ऊपर जो चा, चा के ऊपर जो बिंदी दी है ये अनुसार कहलाती है जंगल इस तरह ठीक है आगे बढ़ेंगे अभी च वर्ग के देखेंगे से, चम्मच उसी प्रकार छ छ से जो है छाता ज से जाम जल भी आता है उसके बाद झ झ से झंडा ठीक है झंडा ऊंचा रहे हमारा यह गाना बहुत ही प्रसिद्ध है तो झंडा हमारा जो है तिरंगा है आगे बढ़ते हैं न्य न्य जो है यह भी कोई शब्द नहीं है लेकिन अनुनासिक के रूप में प्रयोग किया जाता है इसकी चिन्ह जो है चंद्र बिंदी जैसी होती है गांव जहां इस तरह उसके बाद जो है ट वर्ग को देखेंगे ट टमाटर अगला है ठ ठ से देखिए ठंड ठंड जो बर्फ होता है उसे ठंड होता है उसी प्रकार ढ ढ से देखिए डॉक्टर डॉक्टर जो है कहते हैं उसके बाद जो है ढ ढ जो है ढह से देखिए ढोल जो विविध उत्सव हो या अन्य कार्यक्रमों में जो है ढोल ढोलतासों की आवाज़ गुनगुनाती है न न से प्रारंभिक शब्द कोई नहीं है इसे अंत में ही जोड़ा जाता है जैसे बाण गुण ठीक है उसके बाद देखेंगे हम त वर्ग त से तरबूज उसी प्रकार थ थ, थ से देखिए थर्मस द से दिल हार्ट भी कहते हैं उसके बाद ये है ध ध को धन धन यानी धनवान ठीक है बहुत सारा धन ठीक है पैसा भी कह सकते हैं उसके बाद है न न से देखिए नींबू नींबू जो है खट्टा मीठा नींबू नल भी आप कह सकते हैं प वर्ग देखेंगे प से पानी ठीक है जल पानी और फ फ़ से देखेंगे फल फल देखिए यहां पर बहुत सारे आप चित्र जो है देख रहे हैं फल उसी प्रकार ब ब से बंदर देखिए ब से जो है बंदर उसी प्रकार फ भ से देखिए भूरा यानी ग्रे रंग जो होता है भूरा रंग हिंदी में कहा जाता है भूरा उसी प्रकार म से मोर म से मोर य से जो है यज्ञ जो है बहुत सारे आप देखे होंगे कि यज्ञ का प्रयोग जो है हवन जो है बहुत सारे साधु महाराज पंडित जो है यज्ञ जब गुरुकुल के समय में भी यज्ञों को किया जाता था उसके बाद राजा महाराजा जो है यज्ञ को किए किया करते थे और इसमें पैसा भी उतना ही खर्च होता था ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं ठीक है उसके बाद अगला र, अक्षर है र, र से देखिए रंगोली रंगोली जो है आप अपने घर के आंगन में यानी घर के सामने जो है आपकी बहन हो या माता जी हो रंग बिरंगे रंग उसमें डाल कर जो है रंगोली को सजाई करती है तो आपने अपने घर के सम्मुख जो है सुबह माता जी या आपके बहन को रंगोली काटते हुए आप देख देख सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं ल ल से देखिए लड़की जो आप चित्र में देख रहे हैं लड़की इसका स्त्रीलिंग पुलिंग रूप होता है लड़का तो लड़की जो है ल से लाल भी जो है रंग आप शब्द बना सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं व व से जो है शब्द बनता है वन वन यानी जंगल आपने जंगल जो है के बहुत सारे जो है कहानियाँ आपने देखी होंगी जो वन के संबंधित ढोलू पतलू और छोटा भीम के अंतर्गत ऐसे जंगलों का चित्र जो है बहुत बार आपको टीवी में दिखाया जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं श देखिए सहतूत जैसे कि आप अंगूर जो है देखते हैं उसी प्रकार ये काले रंग में आते हैं इसे हम क्या कहते हैं शहतूत कहते हैं उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं श से देखिए होता है षटकोण ठीक है इसमें षटकोण होते हैं इसीलिए इसे षटकोण कहा जाता है ये आप जो है मैथ्स के समय इसका अध्ययन आप कर सकते हैं अभी है स, स का जो है साबुन साबुन जो है प्रयोग किया जाता है या आप सागर भी कह सकते हैं इस तरह जो है आप अलग अलग शब्द भी जो है बना सकते हैं उसके बाद है ह हर से शब्द देखिए बनता है हिरण हिरण यानी जो आप जंगलों में इसे देख सकते हैं और इसके सिर के ऊपर जो है सिंग होता है और ये देखने में बहुत ही आकर्षित होते हैं और बहुत तेज जो है दौड़ते हैं हिरण ठीक है उसके बाद जो है अगला व्यंजन है मिश्रित व्यंजन क्ष क्ष से देखिए क्षत्रिय क्षत्रिय देखिए बहुत ही शूरवीर होते हैं जैसे चार वर्णों में ब्राह्मण दूसरा है क्षत्रिय जो शूरवीर होते हैं योद्धा होते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है उसके बाद जो है त्र त्र जो है इसके शब्द है त्रिशूल त्रिशूल यानी तीन यहाँ पर आप शूल को देख सकते हैं यह शिवजी के हाथ में जो है त्रिशूल होता है तो उसे आप देख देख सकते हैं त्रिशूल इस तरह लिखा जाता है उसी प्रकार आगे है ज्ञ ज्ञ को जो है हम ज़्यादातर उत्तर भारतीय में इसका उच्चारण जो है ज्ञ के रूप में किया जाता है लेकिन हमारे अहिंदी क्षेत्र में जो है इसका उच्चारण जो है न्याय के रूप में किया जाता है तो देखिए ज्ञानी ज्ञानी कौन होता है जो साधु संत जो अपार ज्ञान उनमें होता है इसीलिए उन्हें ज्ञानी भी कहा जाता है साधु संतों को बहुत ही अपार ज्ञान होता है इसीलिए उनको ज्ञानी कहते हैं इस तरह आज हमने जो है स्वरों का व्याख्या बताते हुए वे। व्यंजनों की परिभाषा देकर व्यंजन का उच्चारण आज हमने किया उसके साथ साथ व्यंजनों से बनने वाले शब्दों को भी सर उच्चारण के साथ अध्ययन किया अगले वीडियो में जो है हम बारह कड़ी का अध्ययन करेंगे लाइव क्लास में या वीडियो क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद